करणे शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम्क्षरजत्रस्थिरंगुवा घुंसस्तनोभिरभ्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्षयो यरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आदरणीय एससी सिंह साहब का केन उपनिषद स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पूर्व में आपने ईशा उपनिषद और कृष्ण उपनिषद लिया। मैं आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करता हूं कि दो शब्द कुछ अपना सिंह साहब के विषय में और अपना जो बताना चाहते हैं आज श्रावणी माह के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब। ओ, नमो नमः। आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी को धन्यवाद। ऐसी सिंह साहब को से वक्तव्य से मैं कुछ 5-10 मिनट लूंगा। जितने भी स्थायी श्रोतागण हैं विद्वत जन हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। 116वां दिन है आज। आप देखिए गुरुदेव की कृपा देखिए कैसे माध्यम बनाते हैं वो। और श्री अरविंद शर्मा जी तो वैसे भी और श्री सिंह साहब तो बहुत ही प्रबल तपस्वी लोगों में हैं और ऐसे करके एक एक करके धारा चली। आज 116वां दिन है। आज मैं इसलिए बोलना चाहता था कि आज अरविंद शर्मा जी ने मेरे ऊपर आभार किया, कृपा की, उन्होंने कहा कि आप कुछ दो शब्द बोलिए। आज रक्षाबंधन का दिन है, श्रावणी पूर्णमासी है, उपाकर्म का दिन है, ब्राह्मणों का दिन कहा जाता है। हम सब लोग ब्राह्मण हैं। पहली बात अच्छी समझ लीजिए, जो ब्रह्म के बारे में चर्चा कर रहा है और आप 116 दिन से लगे हुए हैं तो इस समय सभी लोग ब्राह्मण, सभी लोग उस रास्ते पर चले हुए हैं जो ब्राह्मणोचित कर्म है वो कर रहे हैं। सिंह लिखने से, शर्मा लिखने से, नैब लिखने से कुछ नहीं होता। असली बात यह है कि आप किस रास्ते पर मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम लोगों का अपना ही पर्व है। अब ब्रह्म की चिंता चिंतन हम करेंगे ही। इसके साथ ही साथ तो इसकी शुभकामनाएं सबको। इसके साथ साथ आज जो मैं 2 मिनट कहना चाहता हूं वो है संस्कृत दिवस के। श्रावणी पूर्णमासी से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक श्रावण संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है और आज संस्कृत दिवस भी है। श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस कहते हैं। मैं जब शुरू शुरू में गीता पर यहां बोला तो जैसा मेरा स्वभाव था तो मैंने सोचा तो संस्कृत का ज्यादा प्रयोग किया। तो किसी ने कहा भाई संस्कृत समझ में नहीं आती, भाग जाते हैं। तो आज मैं उसी बात को कहना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि नैब साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात से। नैब साहब, हम सब लोग संस्कृत जानते हैं। कैसे संस्कृत जानते हैं? आप कहेंगे मंत्र तो सभी बोलते हैं, श्लोक सभी बोलते हैं और कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र तो सभी बोल। क्या है कि अब उसका सार्वजनिक रूप से प्रचार नहीं करते, सार्वजनिक रूप से गर्व करते हुए कहते नहीं। मैं आज उसी बात को 2 मिनट में कह के फिर अपने केन उपनिषद की बात पे आके उनको आग्रह करूंगा। क्या है कि हम क्या जानते हैं, क्या गर्व करते हैं? हाय, My name is Rajendranath Pandey. I live in Ghaziabad. I am a retired officer. Best wishes to you. Very good. सब लोग बहुत कितने खुश हैं, सभी लोग कितना सरल है। इसी को मैं आज सबसे अनुरोध करूंगा कि आप संस्कृत में बोलकर देखें, मेरे साथ साथ मैं बोलूंगा, आप भी म्यूट हैं तो भी अपनी जगह बोलिए, मेरा काम हो जाएगा संस्कृत दिवस का। क्या कि आप जानते होंगे पहले पत्र लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। मेरे ख्याल से ऐसा कोई हमारा साथी नहीं है जो उसमें का मतलब न समझता हो। हम लोगों ने कहना बंद कर दिया। आप कहिए, खुल के कहिए अत्र कुशलम तत्रास्तु। भगवान कथम अस्ति, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हम कुशलम अस्मि, क्या दिखता है? बहुत सरल है, केवल आपको जवान पे लेने की बात है। तो मैं 4 वाक्य बुलवाता हूं आपसे। नमो नमः,
नमो नमः कहिए आप सब लोग, फिर कहिए मम नाम, अपना नाम लीजिए, राजेंद्र नाथ पांडेय अस्ति, मम नाम अरविंद शर्मा अस्ति, मम नाम अश्विनी कुमार अस्ति, मम नाम सुभाष चंद्र सिंह अस्ति, महिला है तो आप उसको एक वाक्य आपका ही हो गया। अहम गाजियाबाद नगरे निवसामि, अहम इलाहाबाद नगरे प्रयागराज नगरे निवसामि, अहम कानपुर नगरे निवसामि, अहम नोएडा निवसामि, दूसरा वाक्य हो गया। अहम राजकीय अधिकारी अस्मि, मैं अपने लेखकों में सेवानिवृत्त अधिकारी अस्मि, अरविंद शर्मा कहेंगे मैं अभिवक्ता अस्मि, कोई कहेगा व्यापारी अस्मि, कोई कहेगा व्यावसायिक अस्मि, कोई कहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट अस्मि, बिल्कुल छोड़ दीजिए जो कुछ शब्द आता है वो आप बोलिए। तीसरा वाक्य हो गया अहम सेवानिवृत्त अधिकारी अस्मि, अहम अभिवक्ता अस्मि। सर्वेभ्यः शुभकामनाः, बेस्ट विशेस टू ऑल। उसके साथ साथ एक वाक्य जरूर याद कर लीजिए, वदतु संस्कृतम, बोलिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप बिल्कुल निश्चित रूप में देखिए कि 116 दिन आपको हो गए, आपने एक से एक उपनिषद गीता सब सुनी है, सब संस्कृत में है। जो ऐसा कह ही नहीं सकते आप लोग संस्कृत नहीं जानते, केवल हिचकते हैं, संकोच करते हैं। तो ये तो हुआ संस्कृत दिवस की बात। दूसरा मेरा अनुरोध, जो एक आह्वान चल रहा है, जो मैंने अपने फेसबुक पे सोशल मीडिया पे चलाया हुआ है और लोग भी चला रहे हैं, आप कोई भी संदेश संस्कृत में लिख सकते हैं, दो चार लाइन का, बहुत अच्छी बात है, छोटा वीडियो या कोई मंत्र या कोई श्लोक, और कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र ही बोल के आप लिख दीजिए संस्कृत दिवस पर शुभकामनाएं, संस्कृत दिवसस्य शुभकामना, और वीडियो पोस्ट कर दीजिए मीडिया पर। क्या होगा, एक क्रांति, एक संचरण, एक संचार, एक भाव हमारे अंदर आएगा कि हम संस्कृत के प्रति लगाव रखते हैं और दूसरे लोग भी जानेंगे इस बार। यहां तक तो बात ही हो गई, मैं समझता हूं इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैंने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे, अरविंद शर्मा जी ने देखा होगा कि मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है और ये अनुरोध भी किया हुआ है सबसे। तो हमें संस्कृत के लिए प्रधानमंत्री जी तक ने संस्कृत में जो संदेश लिखा, उसके बाद हिंदी में भी कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल है संस्कृत, इसको आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, सब संस्कृत जानते हैं, इसको बढ़ेंगे। तो संस्कृत दिवस पर आपको शुभकामनाएं, वदतु संस्कृतम जयतु भारत। अब मैं आज के बिंदु पर आता हूं। श्री सुभाष चंद्र सिंह जी के बारे में इतनी प्रशंसा की जाए कम है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रभावित हूं। उनकी जो व्यास शैली है, विस्तार करने की जो शैली है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत कम लोगों में होता है। वेद व्यास में, इसीलिए व्यास कहते हैं वेद व्यास को, कि उन्होंने वेदों का भी किया, अष्टादश पुराण सबका व्याख्या की और इतना बड़ा ब्रह्म सूत्र बनाया, सब कुछ व्याख्या की। तो किसी भी एक सूत्र, एक मंत्र को गूढ़ अर्थ में, सरल भाषा में जगह जगह से जोड़कर समझाना, जैसे हम जैसे लोग भी जो कम जानते हैं, सामान्य श्रोता है, वो भी उसको ग्रहण कर सके, ये इसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं। अब आज के इन उपनिषद की बात, 11 उपनिषद हैं, ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडू के ऐतरेय तैतरीय श्वेता शुतर छांदोग्य और बृहदारण्य मुख्य, वैसे तो 108 मानी गई हैं। तो इस पे केन उपनिषद पे आज बोलने जा रहे हैं। मैं संक्षेप में इतनी सी बात कहूंगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, एक तो मंगलाचरण आप बताएंगे अपने इसको, जैसे उन्होंने बताया मुझे कि इसमें 4 खंड हैं, 33 मंत्र हैं, तो दो वक्तव्यों में इसको पूरा करेंगे। तो जो मंगलाचरण है, आप्यायन्तु ममांगानि, इसका अर्थ बताएंगे अगर चाहेंगे सुभाष सिंह साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। और मुझे क्या अच्छा लगता है, 2-3 चीजें बताता हूं, फिर मैं आग्रह करूंगा। ऋषि यह कहता है कि नाहम मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेद च, अर्थात मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ ब्रह्म को जान गया हूं, और ये भी नहीं कहता कि नहीं जानता हूं। ये सूत्र मुझे बहुत काम आता है, मैं कभी ये नहीं सोच सकता, क्योंकि ब्रह्म को जब ऋषि नहीं जाने तो मैं क्या जानूंगा उसके बारे में। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं जानता हूं, आप में से सब लोग, मैं नहीं, सब लोग
कहीं ना कहीं उस लहर का अनुभव करते होंगे और किया होगा जिंदगी में कोई कम कोई ज्यादा, जितना जिसका पात्र जितनी जिसकी रुचि, वो लहर जो आती है आनंद की वही ब्रह्म की अनुभूति थोड़ी सी करता है। दूसरा, विद्या विन्दते अमृतम, आप जब ब्रह्म विद्या को जानते हैं तो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। एक और वार्निंग देता है कौन उपनिषद, हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय इसको बताएंगे कि इसी जन्म में जान लिया तो उद्धार है, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्त, अगर आपने इस जन्म में नहीं जाना तो आपका विनाश है। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में लगे हुए हैं, इसीलिए स्वाध्याय में लगे रहते हैं। और जब कल ये बोलेंगे तो जो मैं चूंकि शाक्त हूं, शक्ति का उपासक हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शक्ति ही ब्रह्म विद्या को बताती है। जब यक्ष का प्रकरण आएगा तो कौन आया बताने के लिए, उमा प्रकट हुई और उससे जब पूछा देवताओं ने कि वो कौन था, तो उसने कहा शक्ति ने कि सा ब्रह्मेति होवाच, वही ब्रह्म है। तो आइए, ऐसा बहुत ही, मैं एक और बात कहता चलूं, मुझे क्या अच्छा लगता है सिंह साहब के वक्तव्य में कि प्रायः मैंने देखा कि ये जो वक्तव्य कहते कहते इसको सब लोगों सब जगह से जोड़ते हैं, विशेष रूप से पंचकोश से और बृहदारण्य की पंचाग्नि विद्या से। पंचाग्नि विद्या मैं सबता हूं, अगर जो भी उपनिषद अगर किसी के पास हो तो पढ़ना चाहिए, जिसमें कि द्युलोक की विद्या, पर्जन्य की विद्या, यह लोक की विद्या, पुरुष विद्या और योषाग्नि विद्या। योषाग्नि विद्या से हम सब लोग निकले हुए, सब लोग गृहस्थी हैं, सबने स्त्री के साथ संपर्क किया हुआ है, लेकिन उसको यज्ञ के रूप में, अग्नि के रूप में अगर समझना है तो आप योषाग्नि विद्या का चैप्टर पढ़ें, तो आपको लगेगा कि वास्तव में हम क्या यज्ञ के रूप में यदि इसको देखें, जो लोग देखते हैं वो कहां पहुंच सकते। तो मैं श्री सुभाष चंद्र सिंह जी का बहुत ही स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि हम सब लोगों को लाभ होगा, मैं भी उससे लाभ उठाना चाहता हूं। मैं आग्रह करता हूं कि सुभाष चंद्र सिंह जी अपना प्रवचन वक्तव्य प्रारंभ करें। आदरणीय श्री सुभाष चंद्र सिंह, थैंक यू सर। चूंकि समय हो चुका है काफी, तो हम आभार क्या व्यक्त करें सर, जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं है उससे ज्यादा प्रशंसा आपने कर दिया, लेकिन प्रयास अपना यही रहेगा कि जीवन को लगा दिया जाएगा उस लक्ष्य के प्रति जिसकी तरफ आपने संदेश दिया है, मैसेज दिया है, उसकी तरफ हम लोग चल पड़ेंगे। और तो आपकी शुभकामनाओं से, आप सभी के आशीर्वाद से, तो हम लोग इसका स्वाध्याय करें उसके पहले एक बार गायत्री महामंत्र के साथ में, उस चेतना के साथ में जुड़ने का प्रयास करें, उस सदगुरु के साथ में जुड़ने का प्रयास करें, जिसके विशेष आभार से हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वारेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सुजनों को नमन वंदन और अभिनंदन। आज के इस पावन पर्व संस्कृत दिवस पर परब्रह्म की वो सत्प्रेरणा एको अहम बहु श्याम आज धरती पर अवतरित हुई, ये सृष्टि का निर्माण आज हुआ। आज के इस पावन पर्व पर हम हृदय से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, ताकि जो परमात्मा एको अहम बहु श्याम से आत्मीयता का विकास किया है उस तरफ हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते चलें और उसी फार्मूले पर चलते रहेंगे तो हमारी रक्षा वो परब्रह्म करेगा जो सृष्टि का निर्माण किया है और सृष्टि का सुसंचालन कर रहा है। ये रक्षाबंधन का पर्व, श्रावणी महापर्व,
संस्कृत दिवस एको अहम बहु श्याम की संकल्पना से आज पूर्ण हुआ है और आज से प्रारंभ हुआ है। अब हम आते हैं सीधे विषय वस्तु पर। अभी आदरणीय अरुण पांडे साहब ने आपको काफी कुछ बताया केनो उपनिषद के बारे में। टोटल 4 भाग हैं इसके और 4 खंडों को 2 भाग में लिया गया है। प्रथम खंड और द्वितीय खंड को आज की कक्षा में ले लिया जाएगा और तृतीय खंड और चतुर्थ खंड को जो भाग 2 रहेगा केनो उपनिषद का अगले संडे को अगर समय मिलेगा तो उसमें रखा जाएगा। आदरणीय अरविंद शर्मा साहब बताएंगे, जैसा शेड्यूलिंग करेंगे उस हिसाब से कर लिया जाएगा। केनो उपनिषद पर अगर हम आते हैं तो केनो उपनिषद ये हमारा 3रा उपनिषद है। ये सामवेदी परंपरा का है और सामवेद के 9वें अध्याय का ये तलवकार ब्राह्मण का अंग है और केनो उपनिषद को तलवकार उपनिषद और ब्राह्मणों उपनिषद भी कहते हैं कुछ कुछ शास्त्रों में। तो इसको आप ये मान के चलेंगे, जैसे अभी पांडे साहब ने बताया कि ये 11 महत्वपूर्ण उपनिषदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब भी नाम लिखा जाता है तो 10 महत्वपूर्ण उपनिषद जिस पर आचार्य शंकर भाष्य लिखे हैं उसको लगभग एकमत से सारे विद्वान एक्सेप्ट करते हैं, उसमें यह स्थान लेता है केनो उपनिषद। 108 उपनिषदों पर भाष्य परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है। तो ऐसा महत्वपूर्ण क्या है इसके अंदर? जैसे हम लोग नाड़ियों के बारे में चर्चा किए, 72,000 नाड़ियां, फिर 14 नाड़ियां, फिर 10 नाड़ियां, फिर 3 नाड़ियां, फिर 1 नाड़ी। इसका मतलब कि हम चेतना के बहुत पास पहुंचते हैं जैसे जैसे कोर में जाते हैं। और उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वो आदरणीय पांडे साहब ने जो कहा वो इसमें एक सूत्र आया है कि अगर हम ब्रह्म का साक्षात्कार इसी मनुष्य जीवन में कर सकते हैं तो ये जीवन चरितार्थ है, कृतकृत है। और अगर ये नहीं कर पाते हैं, इस पाथे को नहीं अपना पाते हैं तो जीवन मनुष्य का टोटल निरर्थक है। तो कम से कम हमको इस जीवन को सार्थक करने के लिए इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा और उसमें केन उपनिषद की महती भूमिका है। आत्मज्ञान, आत्मबोध, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार के कोर इशू को टच करता है। लेकिन इसके साथ में जो आदरणीय पांडे साहब ने कहा है कि शांति पाठ जो इसका किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति पाठ में क्या महत्वपूर्ण है अभी चर्चा कर ली जाएगी। और ब्रह्म से साक्षात करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ेगी। बार बार हमको कहना पड़ता, हर कक्षा में कहना पड़ता है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते। बहुत कुछ कथा प्रवचन सुनने कहने से ब्रह्म साक्षात्कार का संबंध नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो साधना करना पड़ेगा और वो साधना जो केनो उपनिषद में दी गई है उसके शांति पाठ में जहां हम प्रार्थना करते हैं, किस चीज को लेकर प्रार्थना करते हैं उस पर जरूर मनन चिंतन करना चाहिए। हर उपनिषद का जो शांति पाठ है वो उसके लक्ष्य की तरफ इंडिकेट करता है, वो मननीय विषय है, उस पर जरूर साधक को चिंतन करके और साधना को उस दिशा में मोड़ना चाहिए, उसी को पाथे बनाने की आवश्यकता है। ये इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो बजाय 4 कक्षा में, चूंकि समय की थोड़ा सा बाध्यता है इसलिए इसको 2 कक्षा में समेटने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सबसे पहले हम शांति पाठ को ले लेते हैं। तो शांति पाठ को हम पढ़ भी देते हैं और उसका जो हिंदी भाष्य है परम पूज्य गुरुदेव का उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और फिर हम दोनों खंडों को पढ़ लेते हैं जो हिंदी में परम पूज्य गुरुदेव ने भाष्य लिखा है, फिर उसके टर्निंग पॉइंट को कि मनन चिंतन और निधिध्यासन के माध्यम से हम अपनी भ्रांतियों को दूर करके साधना कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेट अपना टारगेट क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, आत्मबोध।
ब्रह्म दर्शन उसको कैसे पाया जा सकता है कि जब प्रवचनेन लभ्यो नहीं है तो फिर कैसे लिया जाए उसको, और नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, बलहीनों को भी नहीं मिलती है और जो खाली कथा प्रवचन सुनते और कहते हैं उनको भी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब बल की भी आवश्यकता है। अरणी पांडे साहब ने कहा हम साप्त के उपासक हैं, भारतीय संस्कृति पूरे साप्त उपासना पर ही आधारित है, तो हमको भारतीय संस्कृति को समझ करके और पाथे को सही दिशा में ले चलना है। तो क्या शांति पाठ है, क्या इंडिकेट करता है, पूरे चारों भाग इस शांति पाठ की तरफ इंडिकेट करते हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ओम आप्यायन्तु ममंगानि वाक प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणं मस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हमें समाविष्ट हो और त्रिविध ताप शांत हो, इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ यह है कि हमारे सभी अंग अवयव जिसको हम शरीर कहते हैं वो पुष्ट हो, बल से युक्त हो। पुष्ट क्या है, बल से युक्त क्या है, इसकी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको मेन कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। मतलब कि स्वस्थ शरीर, गुरुदेव ने बहुत सरल शब्दों में क्या कहा है, अगर हमको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो पहला स्वस्थ शरीर, दूसरा स्वच्छ मन वो भी प्रार्थना में आया है, और तीसरा पवित्र अंतःकरण, पवित्रता का समावेश होगा। तो स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और पवित्र अंतःकरण से जब हम साधना रत होंगे तो परम चेतना हमारे इस शरीर में समाहित होने लगेगी। उस कारण शरीर को टच करने की बात हो रही है कि हम कारण को कैसे टच करें, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण की तरफ की यात्रा हमारी होगी, और फिर इस शरीर का सदुपयोग वही होगा जब हम अपने पाठ पर पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ये इसका मुख्य शांति पाठ। तो स्वस्थ शरीर का क्या मतलब बनता है, स्वच्छ मस्तिष्क का क्या मतलब बनता है, अंतःकरण की पवित्रता हमको कैसे सायुज्यता स्थापित करती है, और परम चेतना के साथ में जो सुर से सुर मिला करके तादात्म्य कैसे स्थापित करती है, और यही है लक्ष्य आत्मबोध का, आत्मज्ञान का, परमात्म दर्शन का, यही एक रास्ता है। गुरुदेव ने बड़े सरल शब्दों में स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, पवित्र अंतःकरण। अब हम आते हैं सीधे विषय वस्तु पर और उसमें इसको एक्सप्लेन कर देंगे विषय वस्तु के साथ में, किसका तात्पर्य क्या है स्वस्थ शरीर का, स्वच्छ मन का। इसका नाम केनिस केन उपनिषद है। केन उपनिषद क्यों पढ़ा, इसका सूत्र जो पहला सूत्र है वो केनिसितम से शुरू होता है, किसके द्वारा प्रेरित, यही इसका प्राण है। और जहां हमारी भ्रांति किसके द्वारा प्रेरित से भ्रांतियां दूर होती हैं, अहंकार गलने लगेगा, तादात्म स्थापित स्वतः होने लगेगा। तो केने सितम इसका प्राण है इस पूरे उपनिषद का, इसीलिए इसका नाम केनो उपनिषद पड़ा है। केन किसके द्वारा प्रेरित। ओम केने सितम पतितम प्रसितम मनः केन प्राण प्रथम प्रयुक्त और केने सिताम वाच निमाम वदन्ति चक्षु श्रोतम कऊ देवो युनक्ति।
किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ यह मन अपने विषयों तक पहुंचता है, किसके द्वारा नियोजित किया हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को मनुष्य बोलते हैं, कौन सा अव्यक्त देव हमारे नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है। अब हम सिर्फ इसका हिंदी पढ़ लेते हैं कि जो हिंदी भाषा गुरुदेव ने लिखा है, ताकि इसको जो है टर्निंग पॉइंट्स को डिस्कस किया जा सके। जो परमात्मा तत्व कर्णेन्द्रीय का स्रोत समझ सकती है, मन का मन मन सकती है, वाणेन्द्रीय की वाणी वाक सकती है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, अर्थात जो इन सब का कारण भूत तत्व है, उसे जानने हेतु धीर पुरुष जो चक्षु स्रोत मन आदि के आवेगों से उद्वेलित नहीं होते, इस लोक से जाते हुए अथवा जीवन मुक्त होकर के अमर हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा का चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों वाक आदि कर्मेंद्रियों तथा मन की भी पहुंच नहीं है, उसे जानने की बुद्धि हमें नहीं है, न ही किसी अन्य की व्याख्या से यह संभव हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञात और अज्ञात सभी तत्वों से सर्वथा परे है। ऐसा हमने अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुना है, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म के विषय में भली भांति व्याख्या करके समझाया है, जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उसे ही तुम ब्रह्म समझो। वाणी द्वारा निरूपित जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म है ही नहीं। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिसकी महत्ता से मनन करता है, उसी को ब्रह्म समझो। और मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते हैं वो भी ब्रह्म नहीं है, और जिसे चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु चक्षु जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। चक्षु के द्वारा द्रष्टव्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म है ही नहीं। श्रोत्र से जिसे नहीं सुना जा सकता, अपितु श्रोत्र जिसकी महिमा से सुनने में सक्षम होता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। और श्रोत्रेंद्रिय गम जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो भी ब्रह्म नहीं है। आचार्य, अब दूसरा खंड शुरू होता है आचार्य का कथन। यदि तुम्हारी ये मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, तो निश्चय ही तुमने ब्रह्म का अल्पांश जाना है, क्योंकि उस पर ब्रह्म को अंश में है, और जो अंश देवताओं में है वो सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है ही नहीं, अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है, मतलब कि तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो। शिष्य क्या उत्तर देता है कि हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, ऐसा नहीं मानते और न ऐसा ही मानते हैं कि हम उसे पूर्णतया नहीं जानते, क्योंकि उसे जानते भी हैं हम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, दोनों उत्तर अपूर्ण है। हमारे इस कथन को वही जानता है जो ब्रह्म को जानता है, और जो ये मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता वो ब्रह्म को जानता है, एवं जो ये मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं वो उसे नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वो ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वो जाना हुआ है। वो बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है। आत्मा अथवा आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य बल को प्राप्त करता है, उसी आत्मा के बल को जानने की विद्या से वह अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसने यदि इसी जन्म में उस परब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उसने यथार्थ लक्ष्य को पा लिया, और जो इस जीवन में उसे नहीं जान पाया तो उसने अमूल्य अवसर गंवाकर अपनी महती हानि कर ली है। अतः बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक तत्व में उस परमात्म सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। और ये इस दोनों खंड का सार संक्षेप है। अब हम आते हैं सीधे विषय वस्तु पर। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, जो अभी तक हिंदी भाषा के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए उसका थोड़ा सा खुलासा किया जाए कि इसमें देखा जाए तो चार पांच पॉइंट में इसके टर्निंग पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या आता है कि प्राण मन व इंद्रियाद कि किसके द्वारा प्रेरित है। प्राण काम कर रहा है, इंद्रियां सारी काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, और जिसको हम अपना मान बैठते हैं ये सब चीजें जो है
तो उसके पीछे कौन है कि जो इनको प्रेरित कर रहा है, उसका बोध करने की आवश्यकता है, उसके यथार्थ को जानने की आवश्यकता है। कारण तत्व को परमार्थ यथार्थ में जानने वाला मन व इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता है। अगर हम कारण तत्व को यथार्थ में जानने लगते हैं तो उद्वेलित नहीं होते हैं, बाह्य प्रभावों से विचलित नहीं होते हैं। यथावत पोतो आनम संसार से स्वसच, जो संसार के बारे में और स्वयं के बारे में रस्सी रस्सी जाने लगा है, रेशा रेशा जाने लगा है, वो फिर उद्वेलित नहीं होता है। बहिरंग की घटनाएं उसको प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि वह यथार्थ का दर्शन करता है, उस यथार्थ को देखने की आवश्यकता है। एक पॉइंट अगर और लिया जाए कि इंद्रिय मन बुद्धि से जिसे हम ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म है ही नहीं। हम इंद्रियों के माध्यम से ही तो ब्रह्म समझने का प्रयास करते हैं, मन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, बुद्धि के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और ये सारी चीजें जब वही से प्रेरित हो रही है तो उसको हम कैसे जान सकते हैं इनके माध्यम से। इसका मतलब कि उसको जानने के लिए हमको इंद्रियातीत भी होना पड़ेगा। और अभी सूत्र में आया है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जो आंख से दिखाई पड़ रहा है उसकी उपासना कर रहे हैं, जिसको कान से सुन करके उपासना कर रहे हैं, जो हमारे मन से मनन करके कर रहे हैं, वो तो ब्रह्म है ही नहीं। इसका मतलब कहीं कहीं भटकाव तो है, वहां पर अपने को करेक्शन करना है, अपनी साधना में वहां पर टर्न करना है। और चौथा प्रश्न क्या रहा था इसमें, ब्रह्म को संपूर्णता में नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म को संपूर्णता में जाना ही नहीं जा सकता, असंभव है, तो फिर करना कैसे होगा। ब्रह्म साक्षात्कार तो किया जा सकता है, आत्मज्ञान और आत्मबोध के माध्यम से उसके साथ साज्यता को स्थापित करना पड़ता है। और यहां पर ज्ञान और भक्ति, समर्पण, समर्पण क्या है, भक्ति क्या है, इसके प्रारूप को समझने की आवश्यकता है। झाल बजाना भक्ति नहीं होती है, तो ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा, वो समर्पण कैसे आएगा, उसका क्या सूत्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान का बोधत्व ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है, और अगर ये लक्ष्य हमने इस जीवन में पा लिया तो जीवन चरितार्थ है, सदुपयोग हो गया, और अगर इसको नहीं पाए तो इस जीवन को हमने निरर्थक बिता दिया, फिर हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ये इसके मेन टर्निंग पॉइंट्स। अब अगर हम शांति पाठ में आ गए कि शांति पाठ में क्या दिया था कि प्राण मन इंद्रियां ये हमारी पुष्ट हो, क्यों पुष्ट हो, ताकि हम ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करें। पुष्ट का क्या मतलब बनता है, स्वस्थ कैसे होती है। आप देखें कि गायत्री साधना की बात आई थी कि जो वेद नहीं पढ़ रहा है लेकिन अगर त्रिकाल संध्या कर रहा है उसको भी आत्मबोध हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि वेद पाठी भजति विप्रः, यह महर्षि अत्रि का सूत्र है, लेकिन वेद पाठ अगर नहीं हो पाता है नियमित तो ब्रह्म संध्या, अब आप देखें ब्रह्म संध्या में हम लोग खंडन्यास करते हैं, इस शरीर को ट्रस्ट मान लेते हैं, हम ट्रस्टी हैं इसके, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इस ट्रस्ट को मजबूत करना है। गायत्री साधक क्या बोलता है, हाथ में जल लेता है, ओम वांग में आश्यस्तु मुखी, नसोर में प्राणोस्तु, अक्षोर में चक्षुरोस्तु, कर्णोर में श्रोतम अस्तु, बाह्योर में बलम अस्तु, उर्वोर में ओजो अस्तु, अरिष्टान में तनुस्तनवा में ससंत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें समझने की आवश्यकता है। ये शांति पाठ वहां इंडिकेट कर रहा है, अगर इसको संस्कृत बोलने के साथ में संस्कृत को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। इसको अगर लिया जाए शब्दार्थ तो यही होगा कि मुंह में मुंह हो, आंखों में आंख हो, कानों में कान हो, नाकों में नाक हो। तो कोई अगर आदमी देखिएगा क्या गायत्री साधक ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है, आंखों में आंख हो, मुंह में मुंह हो, क्या मतलब इसका बनता है। अगर हमको पुष्ट करना है, हे परमात्मा आपने आंख तो दी है, आंखों में दृष्टि भी चाहिए हमको, अक्षोण में चक्षुरस्तु, नासिका तो दिया है, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हमको
प्राण लेना है, चेतना लेना है, और चेतना इसी माध्यम से हमारे अंदर जाकर के हमारा परिष्कार करेगी। कान तो आपने दे दिया है, कान में सुनने की हमारी क्षमता है कि नहीं, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, भद्रम कर्णे भी सुनिया देवा भद्रम पसे माचिले जटा स्प्रे, क्या मतलब इसका बनता है। तो अपने दृष्टि को परमार्जित करना है, तभी वो पुष्ट होंगी, तभी वो स्वस्थ कहलाएंगी। हम कोई दवा नहीं खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वस्थ हैं। शरीर स्वस्थ अगर हमारा है तो शरीर के अंदर वो खून खौरना चाहिए, उतनी ऊर्जा होनी चाहिए हमारे अंदर, अवस्था का प्रभाव नहीं आना चाहिए ज्यादा, और मन बर्फ की तरह से शांत होना चाहिए। जब खून में गर्मी हो और मन बर्फ की तरह शांत हो और अंतःकरण पवित्रता से भाग भाग हो जाए, गदगद हो रहा, तब हम कह सकते हैं कि हमारा ये शरीर स्वस्थ हो रहा है। हम उस स्वस्थ की कल्पना कर रहे हैं, यहां शांति पाठ उसी स्वस्थ के लिए किया गया है कि तभी हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है। और इसका उल्टा हो जाता है, शरीर में तो ताकत रही नहीं और गर्म खोपड़ी हो गई, और हृदय में पवित्रता बढ़ने के बजाय मलिनता बढ़ती जा रही है, तो फिर ब्रह्म से साहित्यता स्थापित नहीं हो सकती है, फिर तो हमारी ब्रह्म से दूरी होने लगेगी। कुछ लोगों ने तारीफ कर दिया, हम प्रसन्न हो गए अंदर से, इसका मतलब कि कहीं कहीं हम भटक रहे हैं, भटकाव है। तो हमको दोनों के परे होना है, आलोचना और प्रशंसा। जब वो हमारे अंतःकरण को गुदगुदाना बंद कर दे तो इसका मतलब कि हम यथार्थ में जीने की अब आदत डालने लगे हैं, अब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, यथार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब टेस्टिंग के पॉइंट्स हैं हमारे, और यही साधना के पॉइंट्स होते हैं। और यहां पर जो टोटल मैटर आ रहा है कि ये सब चीजें जो हमारा मन है, बुद्धि है, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जड़ हैं, जड़ के माध्यम से चेतना का दर्शन नहीं किया जा सकता है। तो फिर करना क्या पड़ेगा, चेतना के साथ में साहित्यता स्थापित करनी पड़ेगी। ब्रह्म क्या करता है, अवतार सत्ता क्या करती है, अवतार सत्ता वही करती है कि असुर मार थापहि सुरन राखहि निज सुत सेत, और जब विस्तारहि विशद यस राम जन्म करहि। मतलब जब अवतार आता है, जब आत्मा ब्रह्म जो है वो जीवधारियों के रूप में अवतरित होता है, तो ऐसी स्थिति में चेतना का प्रवाह चल पड़ता है, एक अंधर तूफान चल पड़ता है, युग परिवर्तन की लहर चल पड़ती है, और जड़ के साथ में जब चेतना उसको प्रेरित करती है तो दिशा धारा बदल जाती है। हमको क्या करना है, उस चेतना का, उसके चेतना के साथ में तादात्म्य स्थापित करने हैं, इंद्रियों का सदुपयोग करके, स्वस्थ करके, पुष्ट करके, भद्रम करने भी सुनियाम देवा करके, और जब उसको करने लगेंगे, गंदगी साफ होने लगेगी, तो साहित्यता स्थापित होने लगेगी। और यही असुर और सुर, असुर सुर देवासुर संग्राम, यह हमेशा चलता रहता है। हमारी भ्रांति कहां पर आती है, हमको लगता है कुछ राक्षस बढ़ रहे हैं, राक्षस नहीं बढ़ते हैं। इसको अभी ईशावास्य उपनिषद में भी चर्चा में किया गया था कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयगम स अविद्या मृत्युं तेत्वा विद्या अमृतम अश्नुते। हमको अमृत की यात्रा करनी है, इसमें अमृतता के लिए बात आई है कि इस जीवन को हम सार्थक तभी कर पाएंगे जब हम अमृत की तरफ बढ़ सकें। और अमृत के लिए क्या करना पड़ेगा, अविद्या और विद्या दोनों को समझना पड़ेगा। और ब्रह्म चेतना करती क्या है, दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित करती है, और दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, दोनों का महत्व है। और इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर लें तो अध्यात्म को सुर मानते हैं और विज्ञान को हम असुर मानते हैं। और जब विज्ञान बढ़ जा रहा है और चेतना पीछे हो जा रही है, तो इसका मतलब डिसबैलेंसिंग हो रही है,
और चेतना अगर मेंटेन नहीं होगी, बैलेंस नहीं मेंटेन करेगी, तो जो देवता शब्द आया है वो इसी के लिए आया है कि हम अध्यात्म को भी समझे, विद्या को भी समझे, संस्कारों को भी समझे। खाली शिक्षा से काम नहीं चलेगा, और शिक्षा और विद्या दोनों के बीच में तादात्म्य स्थापित करना है, और इसी की स्थापना के लिए अवतारिक सत्ताएं आती हैं। और जब हम ब्रह्म के साथ साज्यता की बात करते हैं, इसका मतलब हमको शिक्षा के साथ में विद्या को भी लेके चलना पड़ेगा, और दोनों को लेके चलना पड़ेगा। और निराकार के साथ में साकार की साज्यता, हम साकार को भी नहीं छोड़ सकते हैं निराकार, क्योंकि साकार उसका रूप ही है, लेकिन निराकार के साथ में तादात्म्य स्थापित करना है। अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को लेके चलना है, विद्या और अविद्या को लेके चलना, संभूति और असंभूति को लेके चलना, निर्माण और विनाश दोनों की प्रक्रिया साथ साथ चलेगी, और इसके बीच में जो सामंजस्य स्थापित करेंगे वही चेतना का काम, उसको जानने की आवश्यकता है। परमात्मा किस रूप में हमको प्रेरित करता है? निराकार है, निराकार प्रेरणा दे सकता है, लेंगे और उसके बीच में स्थापित करेंगे, और यही साधना का रूप होता है, इसको करना पड़ेगा। अब आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियां तो उसे प्रेरित हो रही हैं, उसको समग्रता में कैसे जान सकती हैं इंद्रियां? इसका मतलब हमको इंद्रियातीत होना पड़ेगा, और इंद्रियातीत होने के लिए इंद्रियों को और समग्रम तत्व विज्ञातुम न सत्यम कथम, उसको समग्रता में जाना ही नहीं जा सकता, वो अगोचर है, वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं हो सकती है। और अगर उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि साधना में अगर हमको भ्रम आता है, हम पुरुष सूक्त पर जाएं और पुरुष सूक्त में देखें, त्रिपाद उद्गोदय पुरुष पादो से हा भवतु पुनः ततो विश्वम व्यक्रामत शासनांश ततो विराट आ जाए, तो उसके एक पाद में विराट उत्पन्न हुआ है, उसको विकार भी कहते हैं। तो पूरा सृष्टि अगर एक पाद में है तो समग्रता में कैसे जाना सकता है उसको? हाँ, उसके साथ में अगर हम रेजोनेंस स्थापित करने का प्रयास करेंगे, और रेजोनेंस स्थापित करने के लिए समर्पण, भक्ति, ज्ञान के साथ में भक्ति के साज्यता करनी पड़ेगी। भक्ति की कहां, भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब कि हमारी जो वृष्टि की वासना है उसको समष्टि की आत्मीयता में घोलना पड़ेगा, पूरी तरह समर्पित कर देना पड़ेगा। मतलब सृष्टि के सुसंचालन में अगर हम सहयोगी की भूमिका 100% निभा सकें, तो इसका मतलब हमारा स्वार्थ ही परमार्थ, परमार्थ ही हमारा स्वार्थ बन जाएगा। उस सृष्टि की तरफ जब हम पढ़ चलेंगे, उसके निमित्त जब साधना करने लगेंगे, हमारे हर विचारों में जब सृष्टि का सुसंचालन होने लगे कि वो अवतारी सत्ता हमसे क्या चाह रही है, वो हमारे अंदर क्यों नहीं अवतरित हो सकती है, फिर हमको पवित्रता लाना पड़ेगा, उस लेवल के समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है इस सृष्टि के लिए, उस पर ब्रह्म के लिए, उस प्रभु के लिए जो गवर्नर है, उसके लिए प्रभुत्व तो उसका है, और वही गवर्न कर रहा है, सारी जड़ प्रकृति को गवर्न कर रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं, दीक्षा लेते हैं। एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, एक तो बहिरंग का गुरु होता है जो हमें शिक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म साहिष्णुता के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु क्या करता है? परामर्श देता है, पहला स्टेज, उसको बोलते हैं मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा में वो क्या देता है? यज्ञ बताता है, शिखा क्या है, सूत्र क्या है, ब्रह्म सूत्र के बारे में बताता है,
में ही मंत्र दीक्षा दे दी जाती है, संस्कार करा दिया जाता है उसका। उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर हम पूरे जीवन भर खाली उसी सूत्र को कि उसी छह धागे को लपेट करके घूमते रहे और चौटैया रखते रहे और उसके यथार्थ को न समझने का प्रयास करें, उस दिशा में अगर साधनारत नहीं होंगे तो फिर भटकाव आ जाएगा, फिर निरर्थकता आ जाएगी। तो फिर क्या करना पड़ता है, सदगुरु अगर है तो उसका नेक्स्ट स्टेप इसको छोड़ो प्राण दीक्षा देता है, आग लगाता है आपके अंतःकरण में, उसको अग्नि दीक्षा भी बोलते हैं। क्योंकि ना आत्मा बलहीन लभ्यो, बलहीनों के लिए आत्मा नहीं प्राप्त हो सकती, उनके लिए आत्मा का विषय ही नहीं है। वह तो कीड़े मकोड़ों की तरह से अपनी प्रशंसा सुन करके अपने जीवन को जी करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर उसी चक्र में घूमते रहते हैं। तो प्राण की आवश्यकता, और प्राण जब आता है तो फिर ज्ञानात्मक हम दिशा में बढ़ सकते हैं। और ज्ञानात्मक जब होता है तब क्या सूत्र लगता है, वही शिखा और सूत्र की परिभाषाएं बदलने लगती है। और उसके लिए शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतम च तन्मयम् और ब्राह्मणम सकलम तस्य इति ब्रह्म विदो विदुर। फिर हम ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं, सत्कर्म की बढ़ जाते हैं, फिर हमारी शिखा ज्ञानमयी होने लगती है, सूत्र में तन्मयता आ जाती है, फिर अहंकार पूरा गलित हो जाता है, पूरा पुरुषार्थ ही उस सृष्टि के सुसंचालन में लग जाता है। और पर ब्रह्म बन करके ही परब्रह्म के साथ में साजुता स्थापित की जा सकती है। कहा जाता है कि देवता बन करके देवता को उपासना करना है, क्योंकि उपासना करना है, दीपक से दीपक जलाना है, और जो बुझे हुए दीपक को जलाने के लिए जो आग पैदा करनी होती है वो साजुता स्थापित करनी पड़ती, रेजोनेंस स्थापित करना पड़ता है, उसके बाद ब्रह्म दीक्षा का नंबर आने लगता है। और फिर शिखा सूत्र के स्वरूप में उसके हो जाते हैं कि ज्ञान निष्ठा ज्ञान शिखा ज्ञान निष्ठा ज्ञान यज्ञो पवित्र और ज्ञान में वो परम तेषां पवित्रम ज्ञान मुझे। यही ज्ञान हमको पवित्र करता है, अंतःकरण को पवित्रता की बात आई है, मन को शांत करेगा और हमारे व्यवधान संसार के थपेड़ों से जो हमारा डिसबैलेंस होता है, असंतुलन बनता है, वो असंतुलन दूर करता है। तो जिसकी ज्ञान शिखा सूत्र और निष्ठा सब ज्ञानमयी हो जाती है वो परमात्म साक्षात्कार के पास पहुंचे, वहां पर हम आपको अपनी यात्रा करनी है। और वहां पर यात्रा करने पर जब लास्ट में सतगुरु अपने प्राणों को देता है, अपने आग को उड़ेलता है, और किसमें आग उड़ेली जा सकती है, स्वस्थ शरीर में, स्वच्छ मन में और पवित्र अंतःकरण में ही आग उगेली जा सकती है। फटे हुए टायर में हवा नहीं भरी जा सकती है, पंचर है तो हवा निकल जाएगी, इसलिए इसको बलिष्ठ करना है, पुष्ट करना है, जिसकी प्रार्थना की गई थी। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारा शिखा और सूत्र के स्वरूप में होगा कि जैन सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मण गणा ही तत् सूत्रम धारियत योगी और योगविद तत्वदर्शिना। ये पूरा सृष्टि का सूत्र संचालन जिस तागे में पिरोया हुआ है उस सूत्र को वो योगी धारण करता है, वही सूत्र उसका ब्रह्म सूत्र बन जाता है, फिर वो सृष्टि का संचालन करने लगता है, फिर वो योगी बन जाता है। और योगी का क्या मतलब बनता है, यहां पर फिर आता है आत्म परमात्म संयोगो नाम योगा। और जब योग की बात आती है तो पतंजलि को भी थोड़ा सा हमको ले लेना चाहिए इस के साथ। पतंजलि को अगर हम थोड़ा ले लें कि आत्म परमात्म संयोगो नाम योगा और उसी योग के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्म दर्शन कर सकते हैं, साजुता स्थापित कर सकते हैं। और उसमें से जो उन्होंने अष्टांग योग में पांच योग जो पहला लिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग को सुव्यवस्थित करता ताकि हमारी शरीर जो है हृष्ट पुष्ट हो, जो हमारी शांति पाठ है वो चरितार्थ होने लगे, इसलिए पांच बहिरंग की साधना करनी पड़ती है। और जब शरीर हमारी स्वस्थ हो जाती है, मन स्वच्छ होने लगता है,
फिर अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, ताकि समत्वमय चेतना हमारे अंदर प्रवेश करने लगे, उसके लिए फिर हमको अंतरंग की तीन साधना करनी पड़ती है, जिसमें धारणा को परिवर्तित करना पड़ता है, फिर ध्यान लगता है, फिर समाधि की अवस्था प्राप्त होती है और समत्वमय चेतना के साथ में साजुता स्थापित होने लगती है। और अगर हम दर्शन में जाएं, थोड़ा सा और गहराई में घुसें कि पतंजलि का योग दर्शन क्या है, तो दर्शन में उनके चार पाद हैं। पहला पाद समाधि पाद से ही शुरू होता है, जबकि अष्टांग योग में आठवां योग समाधि पर पहुंचता है, और दर्शन में जाते हैं तो शुरुआत ही समाधि से होती है, समाधि पाद, फिर साधन पाद, फिर आता है विभूति पाद और फिर कैवल्य पाद। कैवल्य की प्राप्ति लास्ट में होती है। और अगर इसका सूत्र लेते हैं तो क्या सूत्र आता है? पहला सूत्र जो आता है पतंजलि योग दर्शन का, अथ योगानुशासन। जब दुनिया के संसार के परिवर्तनशील संसार के थपेड़ों को झेल करके जब हम लहू लुहान होते हैं, तब हम योग करने चलते हैं। और योग के लिए क्या जरूरी है? योग का अनुशासन। और यही सब चीजें अनुशासन है जो अभी चर्चा में आया है, इसके अनुशासन को सीखना पड़ता है। और दूसरा सूत्र योग की परिभाषा बताता है। योग की परिभाषा क्या है? योग का चित्त वृत्त निरोधक, और चित्त वृत्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? उसी तरह से होगा जो अभी उपासना की गई है, प्रार्थना की गई है, शांति पाठ किया गया है, और समझने का प्रयास करना है कि मन से जिसको हम देख पा रहे हैं, सम्मनन कर पा रहे हैं, आंखों से जिसको देख पा रहे हैं, कान से जिसको सुन पा रहे हैं, वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म क्या है? जब चित्त वृत्तियों का निरोध होने लगेगा तब योग बनेगा, और योग बनेगा तो तीसरा सूत्र मिलेगा। और तीसरा सूत्र क्या है? तदा द्रष्टुम स्वरूपी अवस्था नाम। उसके बाद अपने स्वरूप में स्थिति बनने लगेगी। योग का चित्त वित्त निरोधा का जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे तब तीसरा सूत्र आएगा पतंजलि योग दर्शन का, वो आएगा तदा द्रष्टुम स्वरूपी अवस्था। फिर हम अपने अवस्था में, अपने स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में, आत्मज्ञान में बोधत्व को अनुभव करने लगेंगे, और फिर उसी को हम आगे बढ़ करके परमात्म साक्षात्कार कर सकते हैं। परमात्म के साथ में साज्यता स्थापित करनी पड़ती है, सुर में सुर मिलाना पड़ता है, तालबद्धता करनी पड़ती है, और जब तालबद्धता होने लगती है तो योग अस्था कुर कर्माणि संगम तक पहुंचने लगती है। और यह आएगी कैसे, इसका तरीका क्या है? जब हमारी श्रद्धा सजल होगी, आत्मीयता से युक्त होगी, जिसका आज त्योहार मना रहे हैं, आज आत्मीयता का त्योहार है, ये तो अहम बहु श्याम की साधना, अपने अहंकार को तोड़ तोड़ करके बांटना है, गलाना है, तब जाकर के हम समष्टि के साथ में तालबद्धता स्थापित कर पाएंगे। इसको गलाने की साधना करनी पड़ेगी, ये श्रावणी पर्व आज का है। तो जब हम योगी बन जाएंगे और समत्वमय चेतना के साथ में स्थित प्रज्ञता आने लगेगी, तब उसके साथ में तालबद्धता बन जाएगी, तब हम यथार्थ का दर्शन कर पाएंगे, और उसके बाद ही वो स्टेज आएगी ताकि हम इस अपने मनुष्य जीवन को चरितार्थ कर सके। तो चूंकि समय भी समाप्त हो गया है और समय की मर्यादा का उल्लंघन करना उचित नहीं है, नहीं आप ले लीजिएगा समय सर, 10 मिनट लिया है, तो हम चाहते हैं कि इस पर प्रश्न अगर जिज्ञासा कुछ रखी जाए, नहीं तो अदरवाइज तो फिर वही प्रवचन की तरह से हो जाए। प्रवचन का स्वरूप नहीं होना चाहिए, उपनिषदों का जो पर्पज होता है कि हम यथार्थ को समझ करके अपनी भ्रांतियों को दूर करके साधना रत हो, और यही तीन चीज आपको लेके चलना पड़ेगा, उपासना, साधना और आराधना, यही त्रिपिटक गायत्री है, और इसी की साधना करनी है, इसको काम नहीं चल सकता। तो अगर हमको यथार्थ में जाना है, गुरुदेव के अच्छे शिष्य बनने हैं, तो इस दिशा में तो चलना ही पड़ेगा, और यही प्रज्ञा अवतार है, प्रज्ञा युग है, कि कर्म प्रज्ञा अगर हमारी प्रखर हो, श्रद्धा सजल हो और निष्ठा प्रबल होने लगे, तो कर्म जो, ज्ञान जो और भक्ति जो, तीनों के समन्वय को ही प्रज्ञा योग कहते हैं। और जब हमारी श्रद्धा में सजलता आने लगेगी
आत्मीयता का विकास होने लगेगा तो प्रज्ञा स्वतः प्रखर होने लगेगी और फिर हमारी चेतना की तालबद्धता समत्वमयी चेतना के साथ में साज्यता स्थापित होने लगेगी। तो अब इसको कैसे स्थापित करेंगे, शक्ति को कैसे समझें, इसका क्या सूत्र है, प्रैक्टिकल हमको क्या साधना करनी पड़ेगी, ये जो खंड 3 और खंड 4 जो अगला अध्याय है उसमें प्रयास किया जाएगा कि इसको कवर करने का। अभी तो खाली हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जिसको हम ब्रह्म समझ रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, और अगर हमको ये महसूस हो रहा है कि हम ब्रह्म को जानते हैं तो साफ उपनिषद लिख रहा है कि आप ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानते, और जो कहता है कि हम ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं तो वो कुछ तो जानता ही है, क्योंकि अहंकार को गलाना पड़ेगा, जानने का अभिमान तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके माध्यम से आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं वो स्वयं प्रेरित हो रहा है, वो क्या बताएगा ब्रह्म के बारे में, चाहे हमारा प्राण हो, चाहे हमारी मन हो, चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे हमारी इंद्रियां हो, और यही माध्यम है हमको जानने का। तो जानने के मतलब यहां होता है बोधत्व में आना, हमारे आचरण में आना, हमारे विचार में आना, आचार में आना। तो जब उसमें समाहित होने लगेगा तब कहा जाएगा कि आपको आत्मबोध होने लगा है, आत्मज्ञान होने लगा है, भ्रांतियां आपकी दूर हो चुकी है। इसीलिए इन सब सूत्रों को एक एक करके पहले सीखते हैं फिर छोड़ते जाते हैं। अगर हम उसको पकड़ के चलेंगे, पहले लोकाचार सिखाया जाता है कि ये लोकाचार है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इनका ऐसे नमस्ते करो, वैसे करो, यहाँ ये करना चाहिए, ये मर्यादा आती है। तो चूंकि संसार में मर्यादा का पालन हमको करना है, देह का अपना धर्म होता है, देह की अपनी मर्यादा होती है, तो देह की मर्यादा को भी लेके चलना पड़ेगा हमको, कि ऐसे सांस लेना चाहिए, ऐसे निकालना चाहिए, ये प्राणायाम करना चाहिए, वो प्राणायाम करना चाहिए, कुछ दिन के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके आगे निकलना पड़ेगा। शास्त्रों को हम पकड़ते हैं, ये शास्त्र पढ़िए, वो शास्त्र पढ़िए, धीरे धीरे करके उन शास्त्रों के निचोड़ को आत्मसात करके शास्त्रों को छोड़ना पड़ेगा, और यही अध्यात्म का निचोड़ है, क्योंकि विज्ञान तो अपनी पराकाष्ठा पर जाने का प्रयास कर रहा है, अध्यात्म पीछे हो रहा है, हम संस्कारों में पीछे जा रहे हैं, और इसीलिए डिसबैलेंस जो होता है, और इसी डिसबैलेंस को दूर करने के लिए यदा यदा ही धर्म से ग्रहण निर्भव विभाग अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मन सजाम, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना है, ना हम विज्ञान को छोड़ सकते हैं और ना हम अध्यात्म पीछे हो सकते हैं, और दोनों को लेके ही चलना पड़ेगा। तो हम समझ रहे हैं कि जिज्ञासा अगर रखी जाए तो कुछ उसको चर्चा कर ली जाए, और बाकी जो इसका सरल सूत्र है वो अगली कक्षा में, कि शाक्त की उपासना कैसे की जाए और इसके साथ में साज्यता स्थापित करने का फार्मूला केनो उपनिषद क्या देता है, उस पर चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न आ रहा है आशीष कुमार गुप्ता जी का, उससे पहले मैं मैं पूछ लेता हूँ सर जी, जैसे ये केनो उपनिषद है तो हमने तो इतना उपनिषद का ज्ञान नहीं है, उसमें भ्रम शब्द का प्रयोग किया गया, भ्रम जी जी, अब कि क्या ब्रह्म जो है, क्या इसको हम किताबों से पढ़कर जान सकते हैं या जीवन में उतार के जान पाएंगे। तो एक लाइन है कि क्या मन जो विचार करता है वह ब्रह्म की सामर्थ्य तथा नियमों की सहायता से करता है, जो विचार आ रहा है वो ब्रह्म किस तरह से आ रहा है, ये एक दिमाग में चीज आई अभी आपके सुनते सुनते। बिल्कुल सही आपका प्रश्न है, देखें कि पुस्तकों के माध्यम से तुमको आगे जाना ही पड़ेगा, इसीलिए अभी बात आई है कि इसको हमको शास्त्र को तो पहले लेना पड़ेगा और फिर शास्त्र को छोड़ना भी पड़ेगा। शास्त्र को लेकर के यात्रा अंतिम तक नहीं कर सकते आप, कुछ दूर तक तो लेके जाएंगे, उसके बाद शास्त्रों को भी छोड़ना पड़ता है। अभी ओंकार की साधना कराई जाती है तो ओंकार की साधना की एक लिमिट है, ओंकार की साधना हमारी जो है वो आज्ञा चक्र में जाकर के समाप्त होती है, उसके बाद ओंकार को भी छोड़ना पड़ता है, और फिर ओंकार को धनुष की तरह हम यूज करते हैं वहां पर, और जीवात्मा को उस ओंकार के ऊपर बाण की तरह से यूज करते हैं, और बाण के साथ में धनुष नहीं जाता है, और लक्ष्य हमारा क्या है, ब्रह्म परमात्मा परम चेतना, तो वहां पर जीवात्मा को हमको समावेशित करना है। तो इसका मतलब कि धनुष की आवश्यकता तो है, लेकिन वहां तक धनुष नहीं जाएगी, गुरुदेव वहां तक नहीं जाते हैं, गुरुदेव आपका परिष्कार करके आपके साथ में सामंजस्य स्थापित करके आपको उस लायक बना दे कि आप आनंदमय कोष के आगे की यात्रा आपकी करनी पड़ती है,
आनंदमय कोष तक तो गुरुदेव पहुंचाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि बेटा मेरा रोल समाप्त हो गया। और वहां पर आता है कि ना कोई बंधु है, ना कोई मित्र है, ना गुरु, ना शिष्य, कोई नहीं है। तो इसका मतलब हमको लेके तो चलना है इसको, और लेके चलना है धर्म ग्रंथों को भी ले चलना है, पुस्तक को भी लेके चलना है, इसके माध्यम से समझना है। और यही जो हमारा मन और बुद्धि जड़ है, इसको चेतन के साथ में साज्यता स्थापित करते करते चेतन में परफॉर्म करना है, इसको रिफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और उस स्टेज में जाने पर फिर आ जाएगा कि लोका अनुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रा अनुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्याय सापनेयम कुरु। पहले हम अपने मन की भ्रांतियों को दूर करें, अपने बुद्धि को परिष्कृत करें। बुद्धि को शुद्ध करने की बात आई है। गायत्री मंत्र क्या करता है? बुद्धि तो बहुत है हम लोगों के पास, लेकिन शुद्ध बुद्धि नहीं है, स्थित प्रज्ञता नहीं है, विवेकशीलता चाहिए कि दूरदर्शिता आ जाए, हम अपने भविष्य को देख सके, 10-20-50-100 साल को देखने की क्षमता भी हमारे अंदर आ सके। वो तभी आएगी जब हम इंद्रियातीत होने लगेंगे। तो इसलिए लेके तो नहीं चलना है आपको। और जो विचार है, तो विचार हमारे संस्कारों से प्रभावित होता है, और विचार वहीं पर लैंड करेगा जब आपका मन पवित्र होता जाए, मन में स्वच्छता आएगी, तभी उस तरह के विचार आएंगे। उस तरह की सफाई करना पड़ेगा, और उसी लिए साधना। गुरुदेव ने क्या कहा? उपासना तो बेटा कुछ टाइम कर लो, 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन साधना अहर्निस, स्वाध्याय अहर्निस करना है। बिना स्वाध्याय के, यही तो 4 सूत्र हैं, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, संयम और सेवा। और सत्संग का मतलब आत्मसंग, सत्य के साथ संग ही सत्संग है। और स्वाध्याय क्या है? पहले स्वाध्याय हम बाहर से सीखते हैं, पुस्तकों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, महापुरुषों से सीखते हैं, फिर उसके परिप्रेक्ष्य में स्वयं का अध्ययन करते हैं। और स्वस्वाध्याय में भी स्वाध्याय होता है, तो वो भी स्वाध्याय है और ये भी स्वाध्याय है, लेकिन हमको अल्टीमेटली इसका स्वाध्याय करना है, स्वयं का स्वाध्याय। तो हम समझ रहे हैं कि कुछ संतुष्टि मिल पाएगी? नहीं, संतुष्टि तो मिल गई बस सिंह साहब, बट डर सा लगता है कई बार, सीखते सीखते कहीं ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत अर्थोपार्जन करने का समय होता है वो भी खत्म हो जाए, ये डर लगता है सर। अर्थोपार्जन अपने आप परमात्मा करने लगता है, आप ये देखिए। जिनकी सैलरी है, पेंशन वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको डेली अर्थोपार्जन करना, वहां दिक्कत आती है सर। सर वही तो है कि वो भ्रम जो हमारा डर है, दो चीज है सर, एक आसक्ति और एक भय। और तत् जो जीवन विज्ञान है, तत् यही बताता है कि भय और आसक्ति को जब हम त्याग करके समर्पण करने लगते हैं, तो तत् मतलब संहिता, उसके साथ में साज्यता स्थापित करने लगते, तो वो क्या करने लगता है? अभी जितना आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप कमाने लगेंगे सर, फिर अर्थोपार्जन भी जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा सर। नहीं, वैसे अभी मैंने कुछ दो लाइन पढ़ी किसी की, वो कहता है कि इंसान जीना ही तब शुरू करता है जब वो डरा हुआ नहीं होता, और डर हटाने का नाम है उपनिषद। मतलब तो उपनिषद कहते हैं डर हटाने का नाम ही उपनिषद है। अगर व्यक्ति को उपनिषद का ज्ञान हो जाए, डर निकल जाएगा सर। तो सर इसलिए तो उपनिषद पढ़ने की बात की जाती है। क्यों डर निकलता है? क्योंकि आप यथार्थ के साथ में साज्यता स्थापित करने लगते हैं, और उसके पहले आप भ्रम में रहते हैं, तो भ्रम में तो डर हमेशा रहेगा। और आसक्ति को हटा करके आत्मीयता का विस्तार करना है। आज आत्मीयता का त्योहार है सर, मोह का त्योहार नहीं है। चलिए प्रश्न ले लेते हैं, मैं अनम्यूट करता हूँ। आशीष जी को अनम्यूट कर दें, तो आशीष अनम्यूट कर लिया, खोल लीजिएगा। यस, आशीष कुमार गुप्ता जी ले लीजिए। यस, आप सिंह साहब खोल लीजिएगा, सिंह साहब अपनी साउंड खोल लीजिएगा। बताए आशीष जी, बताए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। मेरे प्रश्न की तो टेलीपैथी होती है आपसे, जब मैंने आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ पा रही है। मैं कह रहा हूँ सर, मेरे प्रश्नों की टेलीपैथी हो गई सर आप तक। हो गई ना जी। जब मैंने हैंड रेस किया था, हाँ, जो आपने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर आ गए सर। असल में दिक्कत क्या होती है ना, कि जो हमारे उपनिषद होते हैं, इनके एक एक सूत्रों पर खूब गहन मंथन किया जाए, और जब चिंतन मनन होने लगता है, तब निधि ध्यासन का नंबर आता है, तो सारी भ्रांतियां जो मस्तिष्कों में रहती है भांत भांत की, वो अपने आप निर्मूल होने लगती है।
लेकिन चूंकि समय की मजबूरी रहती है इसलिए इसी में समेटना रहता है। तो भ्रांति दूर हो गई कुछ? बिल्कुल सर, एक छोटा सा प्रश्न और आ रहा था। थोड़ा आप आवाज थोड़ा साफ बदल करिएगा माइक के पास। प्रश्न और आ रहा था सर। हाँ बताइए बताइए। मन और बुद्धि को जड़ात्मक क्या आत्मा के सापेक्ष सापेक्ष माना जा रहा है, क्योंकि मन की तो गति काफी अच्छी खासी होती है। गति देखिए ऐसा है ना कि जब मन की केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो पहले जी मन में सोचने की क्षमता नहीं होती है, उसकी केमिस्ट्री होती है। क्योंकि जब मन की साधना हम करते हैं सोचने की क्षमता तो हमारे बुद्धि में आ रही है, लेकिन मन और बुद्धि जो है आत्मा के प्रकाश से जो प्रकाशित हो रहे हैं और संस्कारों से गवर्न हो रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए एक थाली ले लीजिए, तो थाली तो जड़ है लेकिन अगर सन रेस को थाली पर डाल करके और अंदर प्रकाश डालिए तो प्रकाश तो पहुंच जाएगा, बट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट प्लेट, उस प्लेट में रेस निकालने की शक्ति नहीं है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि उस प्लेट को ही हम सूर्य से अगर समझ बैठते हैं तो सूर्य तो बस खाली एक ही है देवता तो एक ही है, दूसरा देवता हो ही नहीं सकता। उसी देवता के प्रकाश से सभी प्रकाशित हो रहे हैं, उसी से हमारे शरीर भी प्रकाशित हो रहे हैं जिसमें बहुत तेजी से हाथ चल रहा है, हमारे पास बहुत ताकत है, पैर में ताकत है, इंद्रियों में ताकत है, तो उसी ताकत से ही तो सब ले ले करके अहंकार पाले बैठे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको मन अपने बुद्धि के ऊपर कर्ता का भाव आने लगे तब आप आत्मा के साथ में साझ्यता स्थापित करिए, और आत्मा का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सबका सेम है, वो डिफरेंस नहीं हो सकता है। मन अलग अलग है, गलती हम कहां करते हैं कि जब हम ये समझते हैं कि हमारा मन इंडिपेंडेंट है, हमारा मन इंडिपेंडेंट कोई नहीं सकता, दो मन यहां पर है, एक बेस्टी मन एक समष्टि मन, बेस्टी की चेतना और समष्टि की चेतना, और जब बेस्टी की चेतना समष्टि की चेतना के साथ में साझ्यता स्थापित करने लगती है तो हमारी दिशा सही हो जाती है। तो यहां पर दो चीजों में भ्रम नहीं करना है, तो बेस्टी की चेतना को परस्कृत करना है। इसीलिए मन जो है वो जड़ात्मक होता है, उसमें गतिशीलता तो है, रस लेना है उसको, इसलिए उसको ये नहीं रहता कि जानता है कि हाँ इसमें जो है खराब होगा, हमारे शरीर को खराब करेगा, हमारी बुद्धि को खराब करेगा, हमारे संस्कारों को खराब करेगा, फिर भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो केमिस्ट्री है चिपकाव उसके अंदर है, रस लेने की प्रवृत्ति है, परिवर्तनशील है, एक जगह ज्यादा देर नहीं बैठेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट खोजेगा वो। तो अपने साधना हमको करना क्या है, मन की गति को नहीं रोकना है, मन की तो जो गति है वो तो उसकी अच्छाई है, उसके खाली दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देना है कि जहां वो जा रहा है वहीं पर भद्रम करण है, सुनयाम देवा भद्रम पश्चिम छिद्र यात्रा करना है। तो मन की जो मनन की क्षमता है, मननशीलता है, उसमें परिवर्तित करना है, दृष्टिकोण परिवर्तित करना है, तो वही साधना है। हम उसको जाने दें, गंदी जगह जाने दें, कोई गंदी जगह है ही नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना है, तो गंदा तो हमारा दृष्टिकोण खाली है। और यही क्लास जब वशिष्ठ जी ले रहे थे, भगवान राम की हायर क्लास जब ले रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हे राम विकार में ब्रह्म देखो, और ब्रह्म में विकार मत देखना गलती से। हम लोग क्या करते हैं, अज्ञानता बस ब्रह्म में विकार देखने लगते हैं कि सृष्टि में तो कोई विकार है ही नहीं कहीं पर। तो दृष्टिकोण को परिमार्जित करना है, मन को परिष्कृत करना है, और बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो, किसी और प्रश्न कोई हो फिर सूचना देगा समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न नहीं है सर। सर वो मैं तो बल्कि आदरणीय द्वारका पांडे साहब ने कहा था, बड़ा सही कहा कि गुरुदेव ने कहा कि ब्राह्मण जो है जन्म से नहीं कर्म से है, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हो तो सभी ब्राह्मण है। बहुत सही कहा था। और अभी जो आज संस्कृत की बात कही तो गुरुदेव का थॉट है कि प्रतिभा किसी की बपौती नहीं, प्रतिभा किसी की बपौती नहीं, पुरुषार्थ की चेरी है। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो संस्कृत भी सर सीख ही जाएंगे हम भी, क्योंकि थ्री गेट का एक इडियट के एक डायलॉग है ना, याद आता है वाला, कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार कर आएगी।
तो आप धीरे धीरे कैसे लगता है सर हमें भी उपनिषद अब सिखा के मानेंगे सर। चलिए सर उसी पर जो आपने कहा है कि महर्षि अत्रि थे तो महर्षि अत्रि ने जो सूत्र लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणात् द्विज उच्यते, कर्म के माध्यम से हम द्विजत्व को प्राप्त करते हैं और वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानात ब्राह्मण। तो यहाँ पर और अगर गीता को लेते हैं तो गीता में भी कृष्ण ने बहुत साफ साफ कहा है चतुर्वर्ण में श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सर, चार वर्णों की जो उन्होंने रचना स्वयं परमात्मा ने किया है, गुण कर्म के आधार पर विभाग को परिवर्तित किया है। जाति होती है, असल में जाति जो होती है वो प्रोफेशनल होती है, जैसे डॉक्टर्स की जाति, इंजीनियर्स की जाति, अकाउंटेंट्स की जाति, वकीलों की जाति ये सब जातियां तो होती है और ये जातियां कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर, उसके आधार पर है। लेकिन थोड़ा सा चूंकि हम लोग अंधकार युग में चले गए थे तो उसका परिमार्जन अभी करने में गुरुदेव पूरी जिंदगी बिता दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। हम तो ये कहने सीखा, और किसी ने कहा ना कि जो अपने आप को तलाशते हैं दुनिया उनको तलाशती है, तो आप तलाश रहे हैं आपको तलाशेगी दुनिया के टाइम में, देख लीजिएगा, क्योंकि देव आई आप आपको तलाशते जा रहे हो तो दुनिया एक दिन आपको तलाशेगी। क्या चलिए आगे आगे की अरविंद भाई सर, एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हम और हम के अंतर को समझाने के लिए। कहाँ पर हो आपके कहाँ पर मनोज शर्मा साहब बोल रहे हैं क्या? जी जी भाई साहब, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने जो आज ब्रह्म और धम के अंतर को स्पष्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर हमने कुछ स्पष्ट नहीं किया है तो सारे ऋषि महर्षियों ने स्पष्ट किया, हम तो खाली वही कथन कर रहे हैं। नहीं, आपके और अरविंद भाई साहब के संवाद से जो है वो और ज्यादा स्पष्ट हुआ कि भय मुक्त होना कितना जरूरी है। इसीलिए वो उपनिषद का ज्ञान जरूरी है सर, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था। बात जो है वो निष्ठा श्रद्धा पे आकर रुक जाती है कि हम कहाँ तक उस फेथ में जा पाते, तो वहीं पर भ्रम और भ्रम का अंतर जो है वो स्पष्ट। बाद में उसकी बॉडी ऑफ ऑर्डर अलग होता है, ऊपर का क्रक्स दिया रहता, तो क्रक्स जब बोलना शुरू किया तो मेरी अजीब से अंदर से मतलब हंसी कह लीजिए या जो उन्होंने कहा था तरंग में आदमी बहने लगता है। इनफैक्ट मैं मॉर्निंग में ही ऐसे बैठा बैठा सोच रहा था कि जब ईश्वर के सब लोग कहते हैं कि ये हम लोग को इन इंद्रियों के सुख से दूर रहना चाहिए, इस सुख से दूर रहना चाहिए, उस सुख से दूर रहना चाहिए, मैं सोचता था कि गंध के ये स्पर्श के या इस तरह की जो हमारे तमाम इंद्रियों के सुख दिए हुए हैं क्यों दिए ईश्वर ने, क्यों हमारे शरीर के साथ लगाए, जब इनसे लगाने के बाद कहते हैं इनसे दूर करो, आप इनसे दूर रहिए। जब उन्होंने बताया ये शस्त्रीय होगी, ये भी हम बताएंगे कभी आपको, इसे सुन लिखिएगा, तब मेरी खोपड़ी भर लाई। मैं देखो हम क्या सुबह सोच रहे थे और किस तरीके से चीजों का जवाब मिलता है भगवान, मतलब विद इन 12 आवर्स आई गॉट द रिप्लाई। और आपको बात को सुनने के बाद और आपने भी जब जो बात बताई ये सुनने के बाद मतलब लगता है कि अगर हमने कुछ लेक्चर्स मिस किए तो शायद अपने सवालों के जवाब मिस किए होंगे जो मन में गाय बगाए उठते रहते हैं। और दूसरा जो ब्राह्मणत्व के बारे में पांडे जी ने कहा था कि सत्य है, क्योंकि कह भाई मेरे भी दिमाग में आता है जैसे हमने हर चीज का आई डोंट टेक एनीथिंग, पान मसाला तक नहीं खाता, कुछ भी नहीं लेता, तो मुझे लगता था यार जो मेरे दूसरे कहने के मैं ब्राह्मण नहीं हूँ लेकिन गुण तो सब वही वाले लगते हैं, दूसरे जो ब्राह्मण है जो कहते हैं चरण पर चबाया जा रहा है, तो ये चीज आज भी उन्होंने क्लियर की। और मैं इसमें चाहूंगा अरविंद शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कोई चर्चा एक मनुस्मृति पे भी हो जाए, क्योंकि इस पर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, उस पर अगर चर्चा किसी दिन पांडे जी से या सिंह साहब से या भदौरिया साहब से, जिन तो प्रतिष्ठित है जिनका अपना एक वो है इन चीजों पर पकड़ है, वो करें तो मेरे वाक्य में मेरे कई चीजें क्लियर हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट थी बस, थैंक यू सर। मनुस्मृति पर हमारे आर एन पांडे साहब
बहुत बढ़िया लेक्चर लिया था, हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा और उनको अगर समय दिया जाए तो थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे तो हम लोगों के और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर। पांडे साहब के साथ में हमारा भी एक एप्लीकेशन है सर। पांडे साहब छोड़ के चले गए सर बीच में, पांडे साहब नहीं जा सकते बीच में नहीं दिख रहे थे सर। उपनिषद तो कच्चा हो, पांडे साहब चले जाए। राज पांडे जी हमारे वाक्य में कई ज्ञान चक्षु बोले और मैं जी से थ्रिली होने लगी सर सुन के। वो कह रहे थे हंस तो रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। पांडे साहब का माइक ऑन कर दें आप। हाँ पांडे साहब को हम नहीं, ये खुद ही करेंगे सर, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। हम लोगों का जो आग्रह है तो उस पर कमेंट कर। नैब साहब से ये कहलवा दिया कि संस्कृत जानते हैं वो और संस्कृत पहले एक बार याद कर संस्कृत देखते हैं लगता है भाग जाओ, मैंने भागू मत, आपको संस्कृत आती है। नहीं सर मैं एयर से तक मेरी संस्कृत बहुत तेज थी, जब मैं एयर्स में पढ़ता था तो हमारी जो सिस्टर टेंथ में थी वो हमसे संस्कृत के एग्जाम में हमसे सीख के जाती थी। ग्रामर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बस वो ऑफिस में आके ना हिंदी कह रहा है, ना अंग्रेजी कह रहा है, ना संस्कृत कह रहा है, सब मिक्स हो गया। नहीं अब रोज समय ऐसा आ रहा है कि इंग्लिश के भी रहिए, हिंदी के और संस्कृत के भी। जी जी ऐसी चेतना सब जगह बढ़ रही है। शर्मा जी ने ग्रुप पैदा कर रखा, हम संस्कृत रोज ही सुन रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपकी सिंह साहब ने भी आपको कर दी सर, कोई अवसर मिले तो उसको जरूर करिएगा। मनुस्मृति पे अच्छी चर्चा है, मैं जानना चाह रहा हूँ सर, थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खुले सर। चलिए मैं आगामी सूचना दे देता हूँ, कल मंडे को आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब ऋषि और गंगा प्रभाव के साथ उसकी अंतिम यात्रा भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से पर्यावरण समस्याओं का गंगा, इसका पार्ट टू लेंगे कल। और ट्यूजडे को हमारे एडवोकेट और सीए विपिन कुमार साहब ले रहे हैं एनश्योर पीस एंड हारमोनी आफ्टर यू सिंपली बाय राइटिंग ए विल, ए डिस्कशन लीगल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जो अपना चल रहा है डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी का भगवत दर्शन पार्ट तीन चलेगा। और विनय कक्कर एडवोकेट ले रहे हैं, उनका टॉपिक है मैं से हम की ओर, मैं से हम की ओर। और इसमें हम थोड़ा सा सिंह साहब तब्दीली कर रहे हैं क्योंकि चिन्मय मिशन की कठोपनिषद होगा सैटरडे को, और संडे को काफी टाइम से हमने टाइम दिया था डॉक्टर अनूप भूषण साहब को, उनका टॉपिक है दंत स्वास्थ्य के लिए समग्र और ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण, होलिस्टिक एंड नॉलेज एंड अप्रोच टू डेंटल हेल्थ, क्योंकि इससे पूर्व में डॉक्टर पंकज अग्रवाल आ चुके, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, डॉक्टर संजय जैन उनका है। तो आपका हमने पहले फ्राइडे का रखा हुआ था, हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया फ्राइडे को आपका ना, पहले से ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने एक वर्ड आया था तारीफ, तारीफ आज आया था तो तारीफ प्रशंसा में किसी ने कहा है कि प्रशंसा में छुपा झूठ, प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा हुआ सच, प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच, जिसने जान लिया समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। थैंक यू सर, थैंक यू। एक लास्ट वर्ड है, जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे, जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।